बैक टू माय चैनल स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेनी सीजन मेकअप हैक्स, जो कि आप करेंगे तो आपकी मेकअप रहेगी लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगी कि आप पूरी मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ हर एक वीडियो में एक टिप शेयर करूंगी, तो आज की टिप ये है कि आप हल्दी में थोड़ा सा दूध मिला के उसे पेस्ट बना के आप अपने फेस पे 10-15 मिनट के लिए पैक अप्लाई कीजिएगा, और 10-15 मिनट के बाद गुनगुना पानी से इसको हटा दीजिएगा, जिसकी वजह से आपके फेस बहुत ग्लोली बन जाएगी, इसके वजह से बहुत ग्लो आ जाएगा आपकी फेस और स्किन। आप रोज इसे ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, स्किन के करना बहुत ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, एंड अगर आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होती है। ये अपनी फेस पे जो भी पोर्स है उसे कवर कर देती है, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन या बीबी क्रीम क्रीज नहीं होगी, पैची नहीं दिखेगी। अगर आप भीगेंगे तो भी आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं होगी। सो गाइस, रेनी सीजन के लिए बेस्ट मैं फाउंडेशन से अच्छा बीबी क्रीम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन पैची हो जाती है, भीगेंगे तो वो हट जाती है अपनी फेस से, जो कि बहुत गंदा दिखेगी। यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शंस दिखा रही हूँ, एक स्पिंस बीबी क्रीम है, एक पॉन्स बीबी क्रीम है। मैं स्पिंस बीबी क्रीम को चूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ग्लो देती है आपके फेस को, और पॉन्स बीबी क्रीम है वो है आपको कवरेज देती है। सो मैं ग्लो चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे अपने पूरी फेस पे अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये एक नॉर्मल कवरेज देती है, आपको पूरी तरह से कवरेज नहीं देती है मेरे हिसाब से। सो गाइस, रेनी सीज़न में एक अलग तरह की स्वेट आती है अपनी स्किन में, जो कि एक ऑयल बेस्ड स्वेट आती है। इसके लिए फाउंडेशन से अच्छा बीबी क्रीम है, जो हट जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, कंसीलर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑलवेज चूज़ पैम स्टिक कंसीलर। आपको ये लिक्विड लिपस्टिक से भी अच्छा कवरेज देती है और लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ भी रहती है, तो आपको रेनी सीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे मैं बहुत लाइट अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ओलिविया का पैम स्टिक पिक की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंसीलर है, वाटरप्रूफ है, सो मैं इसे पिक किया। तो गाइस, अगर आप फाउंडेशन, बीबी क्रीम, कंसीलर कोई भी अप्लाई करें तो उसको सेट करना ना भूलिएगा। उसको ऑलवेज़ आप कॉम्पैक्ट पाउडर या सेटिंग पाउडर की हेल्प से ऑलवेज सेट कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको क्रीज लाइंस ना आएगी और आपकी फेस पे मेकअप टिकी रहेगी। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की कॉम्पैक्ट, जो कि वाटरप्रूफ है। मैं आपको कोई और कॉम्पैक्ट नहीं सजेस्ट करूँगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेबलिन की कॉम्पैक्ट को। और इसे मैं एक स्पंज की हेल्प से अच्छे से सेट कर रही हूँ अपनी पूरी फेस पे, और नेक एरिया पे भी सेट कर रही हूँ। सो गाइस, अगर आप रेनी सीज़न में अपनी ब्रोज को फिल करना चाहते हो तो ऑलवेज़ ब्रो पेंसिल यूज़ कीजिएगा। अगर आप पाउडर से अपनी ब्रोज को सेट करने के लिए सोचेंगे तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ब्रो पाउडर से आप इसे सेट करेंगे तो ये हट जाएगा आपको भीगने की वजह से, पेंसिल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऑलवेज़ चूज़ योर पेंसिल, एंड आपको इसे अप्लाई करने के बाद स्पूली से अच्छे से कोम कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपकी ब्रो पेंसिल की जो भी शेड है वो अच्छे से आपके ब्रोज पे टिकी रहेगी, सेट हो जाएंगे आपके ब्रोज। सो गाइस, अगर आप आई शेडो लगाना ज़रूरी समझेंगे, मतलब मैं रेनी सीज़न में आई शेडो नहीं प्रेफर करूँगी, पर अगर आपको लगाना ज़रूरी है तो आप अपनी लिपस्टिक को एज ए आई शेडो यूज़ कीजिएगा इजीली। मैं यहाँ पे NYB का लिप क्रायन यूज़ कर रही हूँ, और इसे इजीली अपने आई लिड पर अप्लाई करके एक
ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा, ये वाटरप्रूफ भी रहेगा और स्मच प्रूफ भी रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। रेनी सीजन में पाउडर आई शेडो अप्लाई करने से शायद आपके आई मेकअप बिगड़ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होगी आपकी पाउडर आई शेडो लगाना। सो नॉर्मल मेकअप आप कर रहे हो तो मेरे जो टिप है आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप बहुत अच्छा मेकअप पा सकते हैं। सो गाइस, मार्केट में बहुत सारे आईलाइनर है, मस्कारा है जो कि वाटरप्रूफ है। यहाँ पे मैं प्रेफर कर रही हूँ स्टे कोर्की का आईलाइनर, ये वाटरप्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, स्मच प्रूफ भी है और बहुत बोल्ड ब्लैक भी है। तो आप इसे पिक कीजिएगा। और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल विंग ड्रॉ कर रही हूँ जो कि एक बेसिक विंग लाइनर है, आप देख सकते हो। मैं एक डेली मेकअप कर रही हूँ तो ये ऐसी लाइनर अच्छी लगेगी, आप देख सकते हो। मैंने बहुत नॉर्मल विंग ड्रॉ की है एंड यहाँ पे मैं ब्लू हेवन की मस्कारा पिक कर रही हूँ जो कि बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 75 रुपीज़ का मस्कारा है। आप इसे डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, वाटरप्रूफ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेनी सीजन में। सो गाइस, अगर आप रेनी सीज़न के लिए लिपस्टिक चाहते हो तो लिक्विड लिपस्टिक इज़ बेस्ट फॉर रेनी सीज़न। यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक पिक कर रही हूँ और इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत स्मच प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ भी होते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोचो, बुलेट लिपस्टिक कितना भी वाटर प्रूफ हो हटेंगी ज़रूर, ये लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रेनी सीजन में। मैं ऑलवेज प्रिफर करूँगी कि आप लाइट शेड की, मतलब न्यूड शेड की लिपस्टिक पिक कीजिएगा रेनी सीजन में। सो अगर आप ब्लश अप्लाई करना चाहते हो तो पाउडर ब्लश से अच्छा आप अपनी लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं सेम लिप क्रायन को अपनी चीप से अप्लाई करके फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, जो कि मुझे एक नॉर्मल लुक देगी, बहुत नेचुरल लुक। आप ऐसा कीजिएगा तो आपको मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप हाइलाइटर अप्लाई करना ज़रूरी समझेंगे, तो हाइलाइटर अप्लाई करने से पहले जैसा मैं कर रही हूँ, आप अपनी ब्रश को वाटर से या कोई भी स्प्रे से स्प्रे कीजिएगा और हाइलाइटर को अप्लाई कीजिएगा, जिसकी वजह से आपकी हाइलाइटर लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वाटरप्रूफ भी बन जाएगी। सो जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि डेली मेकअप में तो हाइलाइटर इतना लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड गाइस, सबसे ज़रूरी है, डू नॉट फॉरगेट सेटिंग स्प्रे। सो यहाँ पे NYBA का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, कोई भी सेटिंग स्प्रे हो गाइस वो आपको मेकअप लुक को परफेक्टली सेट कर देगा। सो ये थी टिप्स एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइस, ये एक बहुत ही नेचुरल एंड ब्यूटीफुल मेकअप लुक है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लुक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।